गए थे झारखंड गए थे तो हेमंत जी से मुलाकात हुई थी, दिल्ली गए तो अरविंद केजरीवाल जी से बात हुई थी, और उसमें तो वो लोग बैठते तो ऐसी बात तो होती है ना राजनीति की देश में क्या चल रहा है क्या हो रहा है जो है उसको लेकर के ठीक है, उनका अपना कहना अपना कहे, लेकिन डर तो है भैया 24 का बहुत डर है। जब गठबंधन होता है तो गठबंधन में अलायंस पार्टनर जो होते हैं अपने अपने कौन मंत्री होगा नहीं होगा इसका तो निर्णय तो पार्टी ही ना लेती है, चाहे कोई भी दल हो, या हम लोग 7 दल हैं तो 3 पार्टियां जो है वो सरकार में है, बाकी पार्टियां सरकार में नहीं है, 4 पार्टी सरकार में है, 3 पार्टी नहीं है, है कि नहीं? तो 3 जो दल हैं वो उनका निर्णय है ना कि वो सरकार में शामिल हो या ना हो। ठीक है, उसमें पहले यही तय था ना, पहले यही तय था कि कांग्रेस के एक मंत्री जो है जब विस्तार होगा तब जो है बनाया जाएगा, और ये तो बकायदा उस समय घोषणा हुई ना थी, ये हमने हमको जानकारी। अच्छा, अभी कल बात करेंगे। पुत्र को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, सभा में आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनाइए, लोगों से अपील कर रहे हैं, क्या सर लग रहा है कि मुख्यमंत्री? बहुत सी बात प्रतीकात्मक होती है, मेरा कहना ये है कि जब तक इस समाज के लोग जो समाज अत्रस्त है उसका प्रतिनिधित्व नहीं होगा तब तक हम लोग का कल्याण नहीं होगा। 75 साल तो हो गए, 75 साल में हर तरह की सरकारें आई है, लेकिन हमारे लोग नहीं आए। तो क्या विकास नहीं हुई है आपके? हमारे लोग 9 महीना आए तो आपने देखा कि 9 महीना में बिहार में क्या क्या हो रहा था, लेकिन वो बर्दाश्त नहीं हुआ। आज संतोष का नाम इसलिए लेते हैं कि संतोष युवा है, पढ़ा लिखा है और बहुत का नाम आता है, उसको पढ़ा सकता है, वो नेट है, प्रोफेसर है, सब कुछ है, सिर्फ यही है कि भुइयां जात का है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो दलित है, गरीब वर्ग के लोग है, जिसकी आबादी 90% है, अगर उसका नेतृत्व नहीं होगा तो उसका नेतृत्व कैसे होगा? इसलिए संतोष को मुख्यमंत्री के रूप में प्रेषित कर चर्चा है। आप दोनों तो साथी में, कैबिनेट में तो कुछ ही जगह खाली है, तो वो बात कर लेंगे लोग उस पर, जब भी चाहेंगे तब हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत काफी खाली है, वैकेंसी कहाँ? कुछ खास नहीं है, किसी को हटना पड़ा है वो, और एक आध और कोई वैकेंसी है तो उसको ज्यादा नहीं है, बहुत छोट कम है। आज जितना इस बार है बना हुआ पद तो बहुत न है जी, शायद ही ना कभी और इससे ज्यादा कभी रहा है, तो जब इच्छा होगी तब और कुछ हो जाएगा, वो कोई खास बात नहीं है, कोई इशू नहीं है उसका। अभी हम तो अभी आए हैं बाहर से, हमको पता भी नहीं कि क्या हुआ है, तो पहले जरा देखने दीजिए ना, उसके बाद ही ना कोई टिप्पणी कर पाएंगे। लेकिन जेडीयू के ही कार्यकर्ताओं की बैठक है, और कार्यकर्ताओं की बैठक है उसमें अभी उसको लीगल इलीगल घोषित करने का तो कोई मतलब है नहीं, कोई दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ तो बैठक है नहीं। जेडीयू के जो ओरिजिनल कार्यकर्ता हैं जिनके मन में चिंता है पार्टी कैसे बचे, क्योंकि पार्टी रोज कमजोर होते जा रही है, बर्बाद होते जा रही है, तो वैसे लोगों की बैठक है, इसको इलीगल घोषित करने का तो कोई मतलब नहीं। देखिए, यह तो हमने कहा ही है पहले भी कि जो डील की कोई चर्चा हो रही है, यह तो सीधे अर्थ निकल रहा है कि मुख्यमंत्री जी अब खुद मुख्यमंत्री के रूप में एक्ट नहीं कर रहे हैं, तो जो डील की बात हमने की है उसी को पुष्टि मिलती है उनके इस बयान से। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में रोज बात होती है, अभी कोई नई बात नहीं। देखिए, तो उनको तो बात करनी चाहिए, उनकी पार्टी भी शामिल है इस सरकार में, तो जिस तरह की बात बोल रहे हैं उनको बात करनी चाहिए अपनी पार्टी के नेताओं से, सीधे नीतीश कुमार जी के ऊपर आरोप लगाने के बजाय उनको बात करनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी है उसमें शेयर उनका भी है। अरे मोबाइल भाई, किसी के बयान से क्या फर्क पड़ता है? पार्टी के ओरिजिनल जो साथी हैं जिनके मन में चिंता है कि पार्टी बचेगी या बर्बाद हो जाएगी, वैसे लोगों की बैठक है पार्टी को बचाने के लिए। यह तो अगर ऐसा बयान आधिकारिक रूप से आया है, मुझको नहीं मालूम कि बयान आया है कि नहीं आया है, लेकिन ऐसा बयान आया है तो दुनिया का 8वां आश्चर्य होगा कि पार्टी के साथ ही बैठ रहे हैं पार्टी की मजबूती के लिए, और उस बैठक को कोई कह रहा है कि इलीगल है, गलत है।